हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मयंक। आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को हीरो की डेस्टिनी प्राइम आप लोगों को दिखाने वाला हूं। मैं दोस्तों, ये है हीरो डेस्टिनी प्राइम। ये जो है आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिलेगी 81,000 रुपीज की, मतलब 125 सीसी का स्कूटर है दोस्तों ये, और अब तक का सबसे सस्ता 125 सीसी का स्कूटर आज मैं इस वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, हीरो की तरफ से है। अभी तक आप लोगों को 125 सीसी के जितने भी स्कूटर देखने को मिलते हैं ना, वो सब 99,000 से ऊपर गई है, लेकिन ये एक ऐसा स्कूटर है जिसके ऊपर आप लोगों को अभी काफी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एंड ये आप लोगों को अभी जो है ऑन रोड 81,000 रुपीज का ऑन रोड देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसकी प्राइसिंग की बात मैं आप लोगों से सबसे पहले स्टार्टिंग में ही कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, तो इसलिए मैं प्राइसिस का आप लोगों को सबसे पहले बता रहा हूँ। 69,399 रुपीज इसका एक्शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 81,814 रुपीज, 81,814 रुपए जो है इसका ऑन रोड प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप एक बार मार्केट ट्राई कर लेना, 125 सीसी का स्कूटर आप लोगों को हीरो के अलावा किसी और ब्रांड का 81,000 रुपीज में कहीं पे भी देखने को आप लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को सारी डिटेल बताऊंगा, ए टू जेड सारी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या इसमें आप लोगों को स्पेसिफिकेशन मिलती है, प्राइस, माइलेज एंड आप लोगों को क्या क्या इसके फीचर स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप लोग इसकी लुक देख लो, क्या जबरदस्त लुक आप लोगों को मिलती है। मेटालिक कलर में आती है, तीन कलर इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, व्हाइट, रेड एंड इसके अंदर आप लोगों को एक ब्लू कलर जो है देखने को मिल जाएगा। एक 360 वॉक अराउंड मैंने आप लोगों को इसका दे दिया है, आप लोगों को हर तरीके से लुक दिखा दे रहा हूँ। 125 सीसी का स्कूटर है दोस्तों ये, और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर आप लोगों को मेटल बॉडी मिलती है, ऐसा नहीं है कि ये फाइबर बॉडी में आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसके टायर से, तो इसमें आप लोगों को जो टायर मिलेंगे दोस्तों, आप लोग जैसे कि देख सकते हो एक स्टील रिम इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, 90-110 का इसके अंदर आप लोगों को जो टायर है वो देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे, ये आप लोगों को मेटल में देखने को मिल रहा है, एक बार चेकआउट कर लो। ठीक है, मेटल में इसका जो मडगार्ड है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, सामने की तरफ मडगार्ड प्रोटेक्टर आप लोगों को मिलता है। काफी लोग क्या करते हैं, इसमें एसेसरीज वगैरह जो होती है ना वो नहीं लगवाना चाहते, जो कंपनी का करते हैं आजकल ये है आप लोगों को लगा के दे रही है मडगार्ड प्रोटेक्टर। इससे क्या होगा, सामने से अगर आपका स्कूटर हिट करेगा तो मडगार्ड पर स्क्रैचेस नहीं आएंगे, इसी पे ही स्क्रैच आ जाएंगे। ठीक है, दोनों साइड में आप लोगों को जो रिफ्लेक्टर है देखने को मिलेगा, फ्रंट में आप लोगों को ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगी इसके अंदर। ये है इसकी यहाँ पे नोज, सारा क्रोम आप लोगों को देखने को मिलेगा दोस्तों, देख लो 81,000 रुपए में आप लोगों को क्या क्या मिल रहा है, एक बार डिटेलिंग देख लो जरा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर एलईडी डीआरएल भी देखने को मिलेंगे, और तो और ऐसा नहीं है कि सिंपल आप लोगों को लाइट वगैरह दे दी, इसके अंदर आप लोगों को एलईडी डीआरएल भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को इसका ये आप लोग देख सकते हो, नंबर प्लेट लगाने की यहाँ पे जगह आप लोगों को मिलती है, नंबर प्लेट लगेगी। यहाँ पे आप लोगों को दो बैंड दिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका हॉर्न लगा हुआ है इसके सुनने के लिए। ठीक है, इंडिकेटर की बात करो तो यहाँ पे आप लोगों को बल वाले जो इंडिकेटर है इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और बात करते हैं इसकी यहाँ पे इसके हेड के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को जो हीरो का लोगो है वो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एक आप लोगों को हेलोजन बल्ब में इसके अंदर जो हेडलाइट है यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे सारा बॉडी कलर आप लोगों को इसका जो हेड है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी साइड मिरर की बात करूँ तो बॉडी कलर में साइड मिरर जिसके अंदर आप लोगों को दिए गए हैं भाई, ब्लैक वाले जो आते हैं वो वाले आप लोगों को नहीं मिलेंगे, ये भी अगेन काफी प्रीमियम चीज आप लोगों को दी गई है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो भाई ये चीज चेकआउट कर लो, 120 की यहाँ पे आप लोगों को टॉप स्पीड इसके अंदर मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों को डिजिटली जो मीटर है वो शो करेगा, ऑडोमीटर, यहाँ पे आप लोगों को फ्यूल गेज दिखाएगा जो कि अगेन आप लोगों को डिजिटल मिलेगा, टाइम इसके अंदर आप लोगों को शो करेगा। ठीक है, तो किलोमीटर इसके अंदर मिल दिखाएगा आप लोगों को, इसके अंदर ही आप लोगों को फ्यूल बताएगा कितना है इसके अंदर, और टाइम भी इसके अंदर शो करेगा। 120 की टॉप स्पीड मिलेगी, ये मोड आप लोगों को चेंज करने के लिए जो मिल जाएगा, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को बटन की बात करूं तो भाई देख लो कितने प्रीमियम क्वालिटी के जो बटन है इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर इंडिकेटर मिलेगा, हॉर्न मिलेगा, i3s का जो स्विच है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। i3s जिन लोगों को नहीं पता क्या होता है i3s, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। i3s होता है दोस्तों, अगर आप लोग इसको ऑन कर देंगे यहाँ पे, इसमें अगर आपका जो स्कूटर है वो 25-30 सेकंड तक खड़ा रहा कहीं रेडलाइट वगैरह पे, तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा आपकी जो फ्यूल है वो एफिशिएंसी जो है ज्यादा बढ़ जाएगी। चाबी कुछ इस तरीके की आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसकी एक बार इसकी डिग्गी खोल के आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो भाई ये इसकी डिग्गी एक बार देख लो कितना अच्छा स्पेस इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा। ये सारे इसके साइलेंसर के जो पार्ट है वो रखे हुए हैं डिग्गी के अंदर। आप लोगों को जो चार्जिंग पोर्ट है वो देखने को एक मिल रहा है, यूएसबी पोर्ट आप लोगों को देखने को इसके अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे इधर की तरफ आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को जो डिग्गी के अंदर बूट लाइट है वो भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फ्यूल लिड जो है इसकी आप लोगों को बाहर जो मिलेगी, यहाँ पे 5 लीटर का फ्यूल टैंक इसके अंदर मिलेगा, आगे से ही खुलेगा ये भी यहाँ से। ठीक है, 5 लीटर की इसकी कैपेसिटी है। सीट कितनी मोटी है एक बार देख लो जरा, कितनी मोटी सीट आप लोगों को मिल रही है। सो जो कंफर्ट है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छा मिलेगा, कंफर्ट के साथ भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सीट आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेट है, ये नहीं है कि आगे से जो होती है पीछे से उठी हुई होती है, आगे से नीचे होती है, वो वाली नहीं मिलेगी इसके अंदर आप लोगों को।
बाकी फुटरेस्ट की बात करूँ तो मेरे हाथ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना स्पेस इसके अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। एक हुक आप लोगों को यहाँ पे नीचे की तरफ मिलेगा, एक हुक आप लोगों को ऊपर की तरफ मिलेगा, बाकी साइड स्टैंड मेन स्टैंड सब देखने को मिलेंगे। और सारी बॉडी भाई मेटल है, ये सब मेटल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी जो क्रोम का जो यूज है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। डेस्टिनी प्राइम की यहाँ पे 3D में ब्रांडिंग आप लोगों को दी गई है यहाँ पे। बाकी ये है इसका इंजन, इंजन के यहाँ पे आप लोगों को किक भी देखने को मिल रही है। आजकल जितने 125 सीसी के स्कूटर आ रहे हैं ना, उनमें आप लोगों को जो किक है वो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस स्कूटर के अंदर आप लोगों को किक भी देखने को यहाँ पे मिल जा रही है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ले तो 124 सीसी का इंजन मिलेगा, 9 bhp की पावर निकालेगा विद 10.36 Nm ऑफ टॉर्क। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसके अंदर आप लोगों को मिलता है क्योंकि ये स्कूटी है, और एयर कूल्ड इंजन टेक्नोलॉजी इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगी। बात कर ले दोस्तों इसके रियर से, तो यहाँ पे आप लोगों को जो इसकी टेल लाइट है वो बल्ब वाली मिलेगी, और इंडिकेटर अगेन आप लोगों को बल्ब वाले दिए गए हैं। हीरो की ब्रांडिंग मिलेगी, नंबर प्लेट लगाने की जगह मिलती है, ये इसका मडफ्लैप आप लोग देख सकते हैं। बाकी ये है यहाँ पे इसका साइलेंसर, इसका साइलेंसर आप लोग देख लो किस तरीके का आप लोगों को मिलेगा, ब्लैक कलर का मिलेगा। ऊपर यहाँ पे आप लोगों को क्रोम प्लेटिंग लगाने की जो जगह है वो दी जाती है। बाकी ये है इसके यहाँ पे फुट पैक्स जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन आप लोगों को काफी कंफर्टेबल यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी है। बात करें इसकी माइलेज की, 125 सीसी का दोस्तों, फिर भी आप लोगों को जो माइलेज है काफी अच्छी देगा। यहाँ पे आप लोगों को इसके साथ 45 से 55 की जो माइलेज है वो देखने को इससे मिल जाएगी। 45 से 55 की जो माइलेज है ये बहुत ही आराम से आप लोगों को दे देगा। टॉप स्पीड की बात करो तो 90 किलोमीटर पर आर की इसकी टॉप स्पीड है, 90 तक ये टॉप जाओ दोस्तों चला जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। आप लोग जैसे कि पता है 125 सीसी का 90 की टॉप स्पीड तो ये आराम से लगा ही देगा। प्राइसिंग मैंने बता दिया, माइलेज मैंने बता दिया, साउंड इसके आप लोगों को सुनाऊं, साउंड स्कूटी वाली नॉर्मल साउंड आप लोगों को मिलेगी। एंड इसी के साथ साथ ये आप लोगों को दोस्तों साइलेंट स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को ये स्टार्ट करना है तो आप लोगों को ज्यादा आवाज नहीं है कि बिल्कुल साइलेंटली यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी आप लोगों को मिल जाता है। बाकी अगर इसके बारे में आप लोगों को और भी कुछ जानकारी चाहिए जो मैं से पता नहीं रह गई हो, आप लोग जो है दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को मैं बता दूंगा यहाँ पे। इसी के साथ साथ आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था।